हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैच। आज की इस वीडियो में आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ एनबीएचएम का। एनबीएचएम जो एमएससी स्कॉलरशिप एंड पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। यहाँ क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल, आपने अगर पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो एंटर करके लॉगिन कर लिया। और अगर आपने फर्स्ट टाइम, मतलब अगर आप इससे पहले नहीं किए हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ करके ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करके इंटर करना होगा। मतलब जो पासवर्ड चूज करेंगे उसी पासवर्ड को दोबारा चूज करना होगा। सिंपल पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा सेट करना है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है और यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा। और कभी कभी एक्टिवेशन लिंक जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, आपको वरीड नहीं होना है। और मे बी समटाइम्स आपको आपके इनबॉक्स में एक्टिवेशन लिंक नहीं दिखेगा, तो आपको अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। ये बात इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन किया है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल में आएगा। ईमेल में एक्टिवेशन लिंक आने के बाद आप ओपन करेंगे अपना ईमेल, तो एक इस टाइप का विंडो खुलेगा। यहाँ पे जो एक्टिवेट नाउ है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक पॉपअप आ जाएगा। इसके बाद जो आपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सेट किया हुआ है उसको इंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस टाइप का डैशबोर्ड शो करेगा। लॉगिन करने के बाद या फर्स्ट टाइम आप जब रजिस्टर करेंगे तो एक इस टाइप का विंडो दिखेगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन दिया जाएगा, मास्टर्स, डॉक्टरल एंड बोथ। तो अगर आप कोई एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप एमएससी में पढ़ रहे हैं तो एमएससी स्कॉलरशिप के लिए आप सिर्फ एमएससी करेंगे। अगर आप एमएससी में पढ़ रहे हैं और आप पीएचडी वाले एंड एमएससी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बोथ पे टिक करेंगे। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप डॉक्टरल वाले पे, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करना होगा, जिसमें आपका अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको करस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपको ईमेल आईडी एंड आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करना है। फिर आपको अपना एड्रेस देना है, जिसमें आपका सिटी या विलेज जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर एंड एक आपको आईडी कार्ड देना है। आईडी कार्ड में 4-5 ऑप्शन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर एंड डीएल। तो और जो आप सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट फिल करना है, इसलिए कि इनकेस अगर एग्जाम कैंसिल होता है, मतलब एनबीएचएम एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा तो आपका फिर रिफंड कर देगा। तो रिफंड करने के लिए आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ टू रिसीव पॉसिबल रिफंड, इनकेस एग्जाम कैंसिल होता है तो आपको इस अकाउंट में रिफंड करेगा। तो आपको केयरफुली इन्फॉर्मेशन फिल करना है। वैसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी का एग्जाम कैंसिल होगा, पीछे एक बार शायद हुआ था। इसके बाद आपको टेस्ट जोन सेलेक्ट करना है कि आप किस, कौन से एग्जाम सेंटर पे जाना चाहते हैं। तो मैंने फॉर सिंपलिसिटी जोन 1 सेलेक्ट कर लिया, जिसमें जोन 1 के सारे सेंटर अब मैंने फिल कर लिया। अगर आप मान लीजिए 3 सेंटर जोन 1 के करना चाहते हैं और 4th जोन 2 से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी आप चूज करना चाहें उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन आ जाएगा और आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद चूंकि मैंने सिंगल सेलेक्ट किया तो मेरा 500 रुपीज आ रहा है, बट अगर आप मान लीजिए बोथ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका बोथ के लिए 750 रुपये हो जाएगा। अगर 26 मार्च से पहले करते हैं तो इसके बाद अगर करेंगे तो जो डेडलाइन फॉर्म भरने का उससे पहले तक आपको 250 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप 26 से पहले फिल करते हैं तो आपको मात्र 750 रुपीज देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा गया, सिंपली आपका पर्सनल डिटेल्स में, मतलब आपका नाम, फादर्स, मदर्स नेम, आपका एड्रेस पूछा गया, बैंक डिटेल पूछा गया एंड एग्जाम सेंटर पूछा गया है। इसमें कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा गया है कि आपका मार्क्स कितना है, आप कौन से डिवीजन से पास है, आपने टिकट है या नहीं है, कोई भी इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जो ज्यादा जरूरी है वही पूछा गया है। इसके बाद आपको जो इनकी पॉलिसी है जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था उसको टिक कर लेना है। एंड ये बोल रहा है कि आप एक बार फॉर्म फिल कर देंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो जाएगा, तो आपको ध्यान पूर्वक इसको फिल करना है एंड इसके बाद आपको सबमिट एंड पे पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट एंड पे मैं क्लिक कर दिया। सबमिट एंड पे पे क्लिक करने के बाद आपको फी पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप कार्ड से करें, यूपीआई से करें या स्कैन करके क्यूआर कोड से पे करें या नेट बैंकिंग से करें तो आप उसके थ्रू इसमें पे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही ईजी है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा फॉर्म फिल करने में, तो आप इसको इजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।